स्कूल शामिल हैं। इन तालीमी इदारों को कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर बंद किया गया। स्कूल्स में असातिज़ा और तलबा समेत गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि तलबा की सेहत हमारी पहली तरजीह है। कोई भी फैसला वजारत सेहत की हिदायत के मुताबिक ही किया जाएगा। 6 माह तालीमी इदारे बंद होने से तलबा बुरी तरह मुतासर हुए। वफाकी वज़ीर तालीम का ट्वीट। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना केसेस से मजीद 7 अमवात। पाकिस्तान में कोरोना से जान बहक अफराद की तादाद 6,415 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 2,92,044 मरीज सेहतियाब, जबकि कोरोना से मुतासरा 562 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। दुनिया भर में कोरोना के 3,06,00,000 मरीज, 9,56,000 हलाकतें। अमेरिका में 2,03,171, ब्राजील में 1,35,857, मेक्सिको में 72,803, रूस में 19,195, भारत में 85,625 और सऊदी अरब में 4,430 अमवात। मोटरवे ज्यादती केस 11 रोज गुजर गए। मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल न पकड़ा जा सका। मुलजिम आबिद के लिए खाके तैयार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कोई भी रूप धार सकता है। आबिद मल्ली को ननकाना साहब में गिरफ्तार करने की कोशिश नाकाम हो गई। सास के 1-5 पर इत्तला, पुलिस ताखिर से पहुंची, आबिद भाग निकला। आबिद की तस्वीर मालूमात फोरेंसिक डिपार्टमेंट से लीक होने बारे रिपोर्ट वजीर आला को मौसूल। जिम्मेदार शख्स की निशानदेही भी हो गयी। पंजाब हुकूमत मैट्रिक के रिजल्ट का आज ऐलान करेगी। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स एक ही वक्त में मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान करेंगे। मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद किया जा रहा है। इससे कबल मुकर्ररा तारीख पर पंजाब हुकूमत मैट्रिक रिजल्ट देने में नाकाम रही। तलबा नतायज में ताखिर पर परेशानी का शिकार हुए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार ने हदायत की है कि सेक्टर जनूबी पंजाब अपने दरवाजे आवाम के लिए खुले रखें। अवामी नुमाइंदों की तजावीज और सिफारिशात को मलहूज़े खातर रखा जाए। कहा, जनूबी पंजाब के लोगों को अब लाहौर नहीं आना पड़ेगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के अफसर मसाइल पर भरपूर तवज्जो दें। अफसरान को मसाइल के हल के लिए अवाम से राबते बेहतर बनाने की हदायत। अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी के ऐलान के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के लिए कल 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम अपोजिशन लीडर्स शरीक होंगे। जराए के मुताबिक अपोजिशन की 11 जमातों के दरमियान मिसाक जमहूरियत की तर्ज पर नए मिसाक के हवाले से गौर किया जाएगा। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुस्लिम लीग नून ने 11 रुकनी वफद का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून के 11 रुकनी वफद की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी वफद का हिस्सा होंगी। वफद में शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और अयाज सादिक भी शामिल होंगे। वफद में परवेज रशीद, साद रफीक, राना सनाउल्ला, अमीर वकाम और मरियम औरंगजेब भी शरीक होंगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि ओपोजिशन की एपीसी से हुकूमत को खतरा है, न कोई दबाव। पार्लियामेंट में नाकाम होने वाली ओपोजिशन बाहर भी नाकाम होगी। मुलाकात में सियासी और हुकूमती उमूर समेत दीगर मसाइल पर बातचीत करते हुए वजीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि हुकूमत शफाफियत और बिला तफरीक एहतसाब को यकीनी बना रही है। पहली बार मुल्की इदारों में इस्लाहात हो रही है। अवाम ने 5 साल हुकूमत करने का मैंडेट दिया है।
एंटी करप्शन पंजाब ने शुगर मिल माफिया के गिर्द घेरा मजीद तंग करते हुए पंजाब भर से 44 शुगर मिल्स मालिकान को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम सोशल मीडिया कायन पर बरस पड़े, कहते हैं कि कमीज उतार कर स्विंग करने की गलती कर ली कि आइंदा वो थ्री पीस सूट पहनकर स्विमिंग करेंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की मारूफ खातून जस्टिस गिन्सबर्ग इंतकाल कर गयी। मौत से कबल तहरीरी बयान में जस्टिस गिन्सबर्ग ने ख्वाहिश जाहिर की उनकी जगह नए जस्टिस का नाम तब तक जाहिर ना किया जाए जब तक नए सदर का इंतखाब ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज खिदमात सर अंजाम दी। वो खातीन के हकूक के लिए एक अहम आवाज के तौर पर जानी जाती थी। और ट्रंप इंतजामिया ने गूगल और एप्पल समेत अमरीकी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म से चीनी एप्स हटाने का हुक्म दे दिया। ट्रंप इंतजामिया 20 सितंबर से टिकटॉक और वीचैट डाउनलोड करने पर पाबंदी आयद करेगी। अमरीकी महकमा तजारत के मुताबिक अमरीका से बाहर गूगल या एप्पल पर टिकटॉक या वीचैट की सर्विस फराहम करने पर पाबंदी नहीं होगी। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है, तालीमी नसाब से तहकीक मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूं।